माई ओपिनियन इट लुक्स लाइक एन एनिमे गर्ल, अ गर्ल स्ट्रेट आउट ऑफ एनिमे, जो वो पिंक कलर के हेयर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी कैसी थी, दुल्हन बन के बैठी थी, चाय गरम कॉफी गरम, पीने वाला बेशरम। तो आज फिर से हम कल वाली स्वेट शर्ट डालेंगे, वाह क्या बात है। दैट वॉज कम्प्लीटली फेयर प्ले, देर इज नो बेटर वे टू डिसाइड योर क्लोथ्स देन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। सो हे गाइज, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। आज के हमारे दिन की शुरुआत एक बहुत ही अजीब दाढ़ी से और एक बहुत ही बढ़िया पेन किलर से शुरू हुई है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और इसी करके मैं बहुत ज्यादा ड्रॉसीनेस फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों हुआ ये और कब तक ठीक होएगा, क्योंकि यार इसी करके ट्रिम भी नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है अब मैं दाढ़ी रखूंगा। हाँ, जैसी मर्जी आ रही है, वैसे तो खैर अभी दाढ़ी कम कल में ज़्यादा लग रही है, लेकिन हाँ ज़रूर रखूँगा। हाँ, मेरे पे पता नहीं अभी सब्जेक्टिव है, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, कम अच्छी लगेगी ज़्यादा अच्छी लगेगी पता नहीं, क्योंकि बिना मूछों को तो इतना ज़्यादा अजीब लगता हूँ, इतना ज़्यादा मतलब मेरा फेस ना शाइन मारता है। तुम 2 किलोमीटर दूर से अगर मेरे मुंह पे लेजर मारोगे ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगी भी, हाँ ये उदय कंबोज है। चलो जोक्स अपार्ट, आई हैव डिसाइडेड कि मैं दाढ़ी रखूंगा। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तुम लोगों की ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि देखना किसने है, तुम लोगों ने ही देखना है। अगर ड्रॉसीनेस में मैं पिछला पार्ट थोड़ा जल्दी एमिनम की तरह बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी। कल रात वाला व्लॉग भी एंड मैंने एमिनम की तरह ही कर रहा, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और अब मेरे को ड्रॉसीनेस हो रही है इस करके। लेकिन चलो कोई ना, बढ़िया पता हम रैपर की इंडस्ट्री में ही आ जाए, कुछ नहीं पता, YouTube का कुछ नहीं पता, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है YouTube। तो अब इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। आज के हमारे दिन के मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को दिख रहे हैं 3 महीने में दो जगहों पे पप्पा के फ्रेंड को हमने एक गिफ्ट पहुँचाना है, वो पप्पा और मैं खुद ही जाएंगे, और एक जगह पे मैंने जाना है 17 सेक्टर चंडीगढ़, अपने लाइसेंस की वो पर्ची सबमिट करा के आनी है जो मेरे को कल मिली थी। उसके बाद 1 वीक और लगेगा मेरे लाइसेंस को घर पे आने के लिए। सोचो घर पे लाइसेंस आएगा तब तक मैं गाड़ी वगैरह शायद से नहीं चला पाऊंगा, अदरवाइज अगर वो कोई स्लिप दे देते हैं फिर बात डिफरेंट है। और ये 3 मेजर काम है, 2 गिफ्ट और 1 लाइसेंस। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, क्योंकि छोटे से पेट को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो, और हाँ मैंने कल वाली स्वेटशर्ट डाली, क्योंकि पता ही होगा तुम लोगों को, डिसाइड करा था चोर की बीवी कैसी थी। तो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, ब्रेकफास्ट करने से पहले पहले ही हम लोग जा रहे हैं पापा के फ्रेंड को गिफ्ट देने, क्योंकि उनका घर पास है। बुलंद हौसले, गिफ्ट वगैरह डिलीवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़। बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हमने वो स्लिप सी देनी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उस स्लिप के बाद हमारा लाइसेंस हमारे घर पे डिलीवर होएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। फाइनली यहाँ का काम भी हो गया, इन्होंने एक स्लिप सी देख दी जिसके भरोसे मैं 1 महीना गाड़ी चला सकता हूँ कल ले, तो उसके बाद 1 महीने 15 दिनों के अंदर अंदर वैसे तो कह रहे हैं मेरा नया लाइसेंस आ जाएगा जो 15 सालों के लिए वैलिड होएगा। 15 साल अब नो वरीज, अब लाइसेंस अथॉरिटी में शायद से हम 15 साल बाद ही घुसेंगे, हाँ 15 साल तो लग ही जाएंगे। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी ब्लैक वाली स्वेटशर्ट शाम के लिए धूप में रख दी, ताकि इसमें से जो फिनाइल की गोलियों की बदबू है वो निकल जाए। जब जब मम्मी सर्दियों के कपड़े पैक करती है, मेरे हिसाब से गर्मियों के कपड़ों में भी फिनाइल की गोलियां डाल देते हैं आसपास, ताकि इनमें दीमक ना लगे। मेरे हिसाब से दीमक इज द ओनली रीजन, बाकी जो फिनाइल की बदबू होती है ना, फिनाइल की गोलियों की बदबू, वो कपड़ों में रह जाती है और वो इतना ज्यादा इरिटेट करती है ना, खुद को तो करती सो करती है, दूसरों को हमसे ज्यादा करती है, जो हमारे आसपास बैठते हैं ना उनको बड़ी डिस्कस्टिंग सी लुक आती है। लेकिन चलो अब धूप में रख दिया है, थोड़ी देर तक निकल जाएगी बदबू, फिर डाल लेंगे ये वाली टी शर्ट, ये वाली स्वेटशर्ट और ब्लैक की जीन्स डालूंगा शायद से, पता नहीं। एक बात बढ़िया हुई, डॉगी भी आ गया हमारे निकलने से पहले, और लड़ियाँ लगाने वाले भैया भी आ गए।
चलो ये बढ़िया हो गया, अदरवाइज टेंशन ही बनी रहती, डिज़ाइन वो अपने हिसाब से लगवा लेंगे। सर पैदल डॉगी को रोटियाँ दे जाए, ये सारी लड़ियाँ हैं और ये तीन लड़ियाँ हैं, इन तीनों का कॉन्सेप्ट अलग बनेगा, वो सारी यहाँ पे लगेगी पूरे एरिया पे। मेरे हिसाब से जब तक हम लोग घर वापस आएंगे तब तक सारी लड़ियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी होंगी और अंधेरा भी हो ही चुका होएगा, 6:30-6:30 तो बज ही जाएंगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तुम लोगों को भी काफ़ी प्यारा आएगा और हमको भी काफ़ी प्यारा आएगा। 1, 2, done, more 38 टू गो, और अभी नवाब साहब नोना बाबू बनने जा रहे हैं, जिन जुत्तों का भी मुहूर्त निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या प्यारे जूते हैं, जब जब देखता हूँ ना दोबारा से प्यार हो जाता है इनसे। ये निकल गई हमारी ब्लैक जीन, अब सब कुछ नहीं रहता, जादू दिखाना बाकी है। जादू कैसा था? 3, 2, 1 and go। क्या बात है जी, क्या बात है, पीले और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ही अलग, और ये ब्लैक है, कैमरे में थोड़ा सा ग्रीनिश सा लग रहा है, और बाहर लाइटें भी काफ़ी सारी गिर गई, देखो लड़ियाँ सॉरी वहाँ तक पहुँच गई, उससे भी आगे पहुँची गई होगी मेरे हिसाब से, ना अभी यहाँ तक पहुँची है, हाफ वे देयर मोर टू गो, और अभी मैं बस जूते डाल लूँ फिर हम थोड़ी देर तक निकल ही रहे हैं। मास्क पहन लिया, जूते डालिए, जैकेट चेंज कर ली क्योंकि उसमें गर्मी लग रही थी, वी आर रेडी टू रोल। रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, बीच में ब्लॉक करना बिल्कुल ही भूल गया, गाड़ी चलाने में इतना मरहूश हो गया कि मेरे याद ही नहीं रहा हो ब्लॉक करना, लेकिन चलो कोई ना, अभी वापसी में जाता हूँ मैं इस वाली सीट पर बैठूंगा, पप्पा चलाएंगे तब कर लेंगे ब्लॉक, बाकी देखते हैं अभी यहाँ पर कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है, क्योंकि लड़ियाँ तो ऑलमोस्ट सारी जब मैं निकला था गिरी चुकी थी, कुछ कह नहीं सकते। रीच होम, सारी लाइटें लग चुकी हैं, सिर्फ मंदिर मंदिर की लाइटें रहेगी, वो लगनी बाकी है, 5 मिनट में वो लग जाएगी, फिर देखते हैं। गाड़ी अंदर कर दी गई है, बस फाइनल टचेस देने रह गए हैं थोड़े बहुत, थोड़ी देर में हमको हमारे घर की लुक पता लग जाएगी फॉर दिस दिवाली। सारी लड़ियाँ लग चुकी हैं, द हाउस इज कम्प्लीटली रेडी इन माई ओपिनियन, लाइक एन एनिमे गर्ल, अ गर्ल स्ट्रेट आउट ऑफ एनिमे, जो वो पिंक कलर के हेयर्स वाली लड़कियाँ होती हैं, बड़ी अजीब क्यूट सी एनिमे गर्ल्स होती हैं, उसकी तरह लग रहा है। बाकी वी लव द लुक ऑफ आर हाउस, बड़ी सब्जेक्टिव सी लुक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेकार लगेगी, बट इन आर ओपिनियन इट्स लुकिंग सो क्यूट, आप ही देख लो। बट लुक सही में बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, वाह। एंड आई एम यूजिंग माई ट्राइपॉड फॉर दिस शॉट, दैट्स वाई इट्स कमिंग सो ग्रेट, बट स्टिल तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब 2-3 मस्ती फोटोज खींचता हूँ घर की, इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ, और इसके बाद शायद से हमारा कहीं बाहर जाने का, लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा और कंटिन्यू करने का मन नहीं है, तो अब इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कल तुम लगे एक नवी जर्नी, एक नवी एक एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।